दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। केजरीवाल के बाद अब केंद्रीय मंत्री अठावले के साथ मारपीट, भरी सभा में युवक ने जड़ा थप्पड़। मुंबई के पास एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे रामदास अठावले को युवक ने थप्पड़ मारा। इसके बाद समर्थकों ने युवक की जमकर पिटाई की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ मारपीट की गई है। मुंबई के पास एक कार्यक्रम में उन्हें एक युवक ने थप्पड़ मारा है। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में थाने के अंबरनाथ में हुई है। थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम प्रवीण गोसावी है। घटना के बाद अठावले समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक रामदास अठावले अंबरनाथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। कार्यक्रम के दौरान स्टेज से उतरते वक्त एक व्यक्ति ने उनके कान के पास जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद वह भागने लगा तो समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, मराठा आरक्षण पर रामदास अठावले ने कहा था कि मराठा समाज को दिया गया आरक्षण कोर्ट में नहीं टिक सकेगा। वह चाहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से आरक्षण दिया है वह कानूनी नहीं है। अठावले पर हुआ हमला उनके इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल पर हुआ था हमला। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने सचिवालय के भीतर ही मिर्च पाउडर फेंककर हमला कर दिया था।